गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशन चैनल के ऊपर। और बच्चों, आज की जो वीडियो है वो बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो को आगे सुनने से पहले मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और चाहूंगा कि भाई आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको वीडियोस को और हमारे चैनल को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी जाती है वो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सबसे पहले मैं यही बात करूंगा आपसे कि जो सीयूईटी की जो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो हम सबको पता है कि मई के अंदर होने वाला है, दूसरा 5 अप्रैल तक। ठीक है, आज तारीख है 4 अप्रैल, तो कल तक सीयूईटी की जो एप्लीकेशन डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी सीयूईटी का एग्जाम नहीं भर पाए हैं तो वो भर सकते हैं। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर 12th के बच्चे, ठीक है, साइंस के, उन सभी के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं बच्चों की बहुत बच्चों को इस चीज का नहीं पता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा की, तो एचएयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी एग्रीकल्चर का, और 12th के बाद बहुत सारे बच्चे, और 12th में रहते हुए बहुत सारे बच्चे उस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, हालांकि अगर मैं बात की जाए तो आपका जैसे कि 10th के बाद भी एग्जाम होता है जिसमें इनका 4+2 ईयर का कोर्स है, और उसके बाद आपका 12th के बाद भी एग्जाम होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको मैं सीयूटी कहूंगा और हम सब उसको जानते हैं, वो एग्जाम देके भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो एचयू के अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर जो बीएससी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड कोर्सेज करवा रही है, उन यूनिवर्सिटीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगा, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई, सीयूटी का स्कोर लेती है। और इसके अंदर अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो मैं आपको कोर्सेज पहले डिस्कस कर चुका था, लेकिन आज जो डिस्कशन में आने वाला है वो आने वाला है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स है भाई, और इसके अंदर जो मेन रहेंगे आपके वही केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपका मैथ्स हो गया, और इसके साथ साथ बायोलॉजी हो गया। ठीक है, और साथ में एग्रीकल्चर का टेस्ट हो गया। ठीक, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है, जिसने 10+2 किया हुआ है, ठीक है, जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो सब्जेक्ट हैं या इक्विवेलेंट है, और 50% मार्क्स इनके हैं, तो वो बच्चे सीयूईटी के बेस के ऊपर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने लाया कि हमारे पास एचयू के अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करवा रही है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं उनमें आपके आ जाता है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, तो ये भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है भाई, और बहुत सारे बच्चे इन कोर्सेज को कंप्लीट करके एक अच्छा पैकेज और एक अच्छी जॉब हासिल करते हैं। ठीक है, लगभग जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आप देख सकते हैं सबकी वही है। ठीक है, तो ये था आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप। उसके बाद आ जाती है भाई आपकी उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर जो आपको एग्रीकल्चर के रीडिंग कोर्सेज मिलेंगे वो आपको मिलेगा बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये दो भी आपके बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज हैं। ठीक है, तो जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं वो इन कोर्सेज के लिए भी अपना जो एडमिशन है या अपनी एनरोलमेंट है उसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो और कोर्सेज थे वो मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो दूसरी यूनिवर्सिटी हमारे पास रहती है कौन सी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक, तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस आपको करने के लिए आया हूँ वो हम सब ने लास्ट के अंदर देखी है या नहीं भी देखी होगी, वो आपकी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो बच्चों, इसके रिगार्डिंग भी मैं एक थोड़ा सा इसी में डिटेल लेके आया हूँ कि कौन से जो इंस्टीट्यूट हैं वो आईसीएआर से अप्रूव्ड हैं, और आईसीएआर के रिगार्डिंग भी आप ये लेके चलो। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर, जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो एचयू है, बावल में इनका जो कैंपस है वो हरियाणा के स्टूडेंट्स को लेता है, इसी के साथ साथ जो हरियाणा के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन भी लेता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आईसीएआर ने भी सीयूटी का स्कोर मानना शुरू कर दिया है। किन किन कोर्सेज के लिए, बीएससी, बीटेक और बीएफएससी, एग्रीकल्चर और लाइट साइंस के कोर्स ऑफर्ड है, और यहां पर जो सब्जेक्ट टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है आपका इन सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायो, और एग्रीकल्चर या इंटर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी भाई, वही हैं लगभग जो हमने पहले देख चुके हैं कि नॉन मेडिकल से आपका होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, और जैसे
कंडीशंस हैं, कैंडिडेट शुड अपीयर एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 लिस्टेड अंडर द डोमेन इन सीयूटी। तो पांच में से, ये पांच आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से तीन के अंदर आपने होना भाई, आपने इनको करना है, ठीक है। तो ये बच्चे इजिली कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर हो गया, फूड न्यूट्रिशन हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, ये सभी के सभी आपके आईसीएआर के जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का जो टेस्ट है वो देना जरूरी है। तो अब ये जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो आईसीएआर जिनको अप्रूव करता है, वो सारे के सारे आपको दिए गए हैं। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं, कुछ सेंट्रल भी लेके चले, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, अगर मैं गुजरात तक जो बच्चे जाना चाहें तो उनके लिए ये ऑप्शन है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय ऑफ यूनिवर्सिटी, हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज करनाल, तो ये तीन यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं। एचपी की बात करें तो यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सरवण कुमार हिमाचल कृषि विद्यालय पालमपुर और सोलम के अंदर ये है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी होगी श्रीनगर की और जम्मू की, ठीक है। फिर अगर बात की जाती है नॉर्थ इंडिया की, तो पंजाब में गुरु अंगद देव वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, और राजस्थान की देखा जाए तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर कोटा, ठीक है, एसकेएन यूनिवर्सिटी होगी। तो ये सभी यूनिवर्सिटी जो आपकी है आईसीआर से जो अप्रूव्ड है, ठीक है। फिर जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ पंतनगर उत्तराखंड, वीजीएसजी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भारसार, यूपी के अंदर देखा जाए तो ये सारी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो यहां से आपको इजीली एक पिक्चर क्लियर होती है कि आप जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो सीयूटी के बिहाफ के ऊपर भी आप उस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और फिर अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर की, वो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो सब करवाती है भाई, ठीक है। तो यहाँ भी सीयूटी का स्कोर चलेगा। तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन तो मैं कह सकता हूं भी बच्चे जो एचएयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देते हैं, वो सही है, उसकी तैयारी करें जो कि आगे जून जुलाई में होने वाला है। लेकिन उससे पहले सीयूटी का जो एग्जाम है वो भी बच्चे भर सकते हैं जो फिलहाल 12th पास कर चुके हैं। कर चुके हैं मतलब क्या है, जिनका सेशन अभी 2024 के अंदर 12th क्लास का जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है ना। तो आप टारगेट कर सकते हो भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, ठीक है, उसके बाद जो उत्तराखंड के अंदर है बहुगुणा यूनिवर्सिटी उसको भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आईसीएआर से जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं नॉर्थ के अंदर, उन सबको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो ये जो पेपर है आपका भाई 15 मई से, आप ये लेके चलो कि लगभग 30 मई या 31 मई तक इनकी डेट आई है 2024, इसके अंदर आप दे सकते हैं भी पेपर इसको। तो जो बच्चे अपना फ्यूचर थोड़ा डबल सिक्योरिटी के अंदर चाहते हैं तो मैं उनसे ये अपील करूंगा कि वो एचयू के एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ सीयूटी का भी एंट्रेंस एग्जाम दे, ताकि जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है या जो बीटेक आता है इसी के अंदर, उन कोर्सेज को वो इसी साल ही इनरोल हो पाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वीडियो थोड़े लिए उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो सीयूटी का आ जाता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट है तो हमारा जो ऑफिस है इंस्पायर इंस्टीट्यूट के नाम से, वो हमारा है सेक्टर 13 के अंदर है। तो कोई भी बच्चा कभी भी इंक्वायरी के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जो जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो आपके आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यानी बीएससी एग्रीकल्चर सीयूटी के रिगार्डिंग सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपको एक ही छत के नीचे आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो बच्चे आर्ट्स के अंदर स्कोप बनाना चाहते हैं तो उनके लिए अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स की भी यहां पर कोचिंग दी जाती है, ठीक है। तो जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हुए हुए हैं, कोई भी अगर इंक्वायरी आप उससे बात कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ये वीडियो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं वो इस विकल्प को भी अपने माइंड के अंदर सेट कर ले, क्योंकि डेट अभी गई नहीं है भाई, कल लास्ट डेट है, तो इजिली वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इससे अगली जो वीडियो होगी वो मैं एक ऐसे कोर्स के रिगार्डिंग लेके आना चाहूंगा जो कोर्स काफी अच्छा है, ठीक है, और बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से उसमें एडमिशन लिया जा सकता है। और रही बात जॉब्स की, तो उस वो कोर्स करने के बाद भी आपको जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।